नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अलंकार के 8th एपिसोड में। इस एपिसोड में हम लोग सीखेंगे जो 7th एपिसोड में हम लोग सीखा था उसके साथ जो नॉर्मल सरगम है सारे गामा पाधा निशा, उसको जोड़ के बजाएंगे। कैसे? पिछला एपिसोड में हम लोग ने सीखा था सारे गा सारे सारे गा रेगा रेगा मा गामा गामा पा। अभी हम लोग फिर उसके साथ एक सा रे गा ऐसे करके ऐड कर देंगे। क्या आएगा? सा सारे सारे गा रे रेगा रेगा मा गा गामा गामा पा मा मा पा 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 था पा पाधा पाधा नी धा धनी धनी सा ऐसे करके आएगा। तो ये कैसा बजेगा ये काउंट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं स्लो टेम्पो दे रहा हूँ और मीडियम टेम्पो, दो टेम्पो दे रहा हूँ। अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, फास्ट अपने आप आपका आ जाएगा। सा सा रे सा रे गा रे रे गा रे गा मा ऐसे करके आएगा। फिर जो मीडियम टेम्पो आएगा वो कैसे आएगा? ये जो आ रहा स्लो टेम्पो जो आया ये टू साइकिल में आएगा, मतलब कि 8-8 टू साइकिल आएगा। 8 का टू साइकिल है, टू साइकिल में 1 कंप्लीट होगा। फिर जो नेक्स्ट आएगा वो 8 का 1 साइकिल में 1 कंप्लीट होगा। कैसा आएगा फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। स्लो का जो है सा सारे सारे गा रे रे गा रे गा मा कैसा आ रहा है? 8 बीट में हाफ आ रहा है, बाकी 8 बीट में बाकी हाफ आ रहा है। और इसका जो मीडियम आएगा कैसा आएगा? 8 बीट का एक साइकिल में एक आएगा। सा सारे सारे गा रे रे गा रे गा मा गा गा मा गा मा पा मा मा पा मा पा धा 8 बीट में एक आ रहा है, जो इससे पहले का स्लो में 8x2 बीट में 1 आ रहा है। कैसे बज रहा है मैं आप लोगों को बजा के दिखा रहा हूँ। ऐसे करके आप लोगों को बजाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नोटेशन दिया हुआ है वो देख के आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बीट के हिसाब से दिया गया है। जो बीट के हिसाब से आपका कितना नोट आएगा एक बीट में, कि कितना बीट में एक नोट आएगा, ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नोटेशन दिया गया है वो देख के आसानी से समझ जाएंगे। ये वीडियो इतना था कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।